कोरिया ने दावा किया कि समंदर में उसके जंगी जहाजों ने अमेरिका के जासूसी विमान को खदेड़ दिया। दावे के मुताबिक अमेरिका ने अपने जासूसी विमानों को उत्तर कोरिया की सीमा के पास भेजा था, जिससे भड़के उत्तर कोरिया ने पलटवार करते हुए अपनी जंगी जहाजों की मदद से उन्हें दूर भगा दिया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के इस एक्शन को उकसाने वाला करार दिया। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका का ये जासूसी विमान पूर्वी तट के पास उसके आर्थिक क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच हुए शिखर सम्मेलन से पहले हुई इस घटना के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया। वहीं दक्षिण कोरिया के एक सांसद ने पहले ही आशंका जताई थी और आरोप लगाया था कि तीनों देशों के शिखर सम्मेलन का विरोध करने के लिए किम जोंग उन बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकते हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अंधाधुंध मिसाइल परीक्षण करने में लगे किम जोंग उन ने इस बार ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर डाला कि अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया। यही नहीं, जापान और दक्षिण कोरिया भी बुरी तरह कांप उठे, क्योंकि उत्तर कोरिया ने इस बार घातक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। दावा किया गया कि यह मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यानी अमेरिका को भनक तक नहीं लगेगी और चंद सेकंड के अंदर वो उत्तर कोरिया जैसे छोटे से देश के हाथों तबाह हो जाएगा। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल इतनी घातक होगी कि अपने दुश्मनों पर काल बनकर गिरेगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया जिस तकनीक का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों की ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है, वो तकनीक दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। दावा है कि इस तकनीक के जरिए उत्तर कोरिया की मिसाइल दूर तक हमला करने में सक्षम होगी। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने उसके नजदीक अपने सैनिकों और युद्धपोतों की तैनाती कर दी। यही नहीं, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया को घेरने का प्लान भी अमेरिका बना रहा है, जिसे देखते हुए उत्तर कोरिया ने घातक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर दिया और अमेरिका को धमकी दे डाली कि वो उस इलाके से दूर रहे। इधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में केरोसिन से स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। वहां हर साल निकाली जाने वाली भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी में एक लड़का मुंह से आग निकालने का स्टंट कर रहा था, जिसके लिए वो केरोसिन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मुंह से आग निकालने की उसकी कोशिश अचानक भारी पड़ गई। इससे पहले कि उसका स्टंट पूरा होता, उसका पूरा चेहरा आग से झुलस गया। अगले ही पल लोगों ने उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी। लोगों ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। उधर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात एक अधिकारी पर एक नाबालिग के बलात्कार का आरोप लगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी अधिकारी उस लड़की के पारिवारिक दोस्त। और आरोप है कि उन डिप्टी डायरेक्टर प्रेमोदय खाका ने साल 2020 से 2021 के बीच उस नाबालिग का रेप किया। पुलिस ने बताया कि 2020 में अपने पति की मौत के बाद लड़की की मां ने उसे दिल्ली के बुराड़ी में उन अधिकारी के घर रहने के लिए भेजा था। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक वो नाबालिग दिल्ली सरकार के अधिकारी के घर में रहे। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने नाबालिग का रेप किया। इसने अपनी आंटी को, जो उनकी वाइफ को बताया, तो उन्होंने इसका जो है अबॉर्शन पिल्स के साथ इसका अबॉर्शन कराया। इसलिए पुलिस ने अधिकारी के साथ उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं दिल्ली सरकार ने भी अधिकारी पर एक्शन ले लिया। मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने भी नाबालिग का बयान दर्ज करवा चुकी है। और वो नाबालिग इतने गहरे सदमे में है कि बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है। करीब 3 साल बाद ये मामला भी तब उजागर हो पाया जब मनोवैज्ञानिकों से नाबालिग की थेरेपी करवाई गई, जो कि अब भी चल रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि काफी शोषण सहने के बाद नाबालिग डिप्टी डायरेक्टर के घर से वापस अपनी मां के पास चली तो गई, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपनी मां को भी साफ साफ कुछ नहीं बता पाई। दादा इसका कंडीशन खराब हो गई, तो इलाज के चलते ये हॉस्पिटल में ले आए, तो दौरान ये ट्रीटमेंट ये बातें। मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग के दौरान नाबालिग ने अपनी आपबीती सुनाई, तब जाकर डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ मामला सामने आया।